फगवाड़ा शहर वासियों का प्रशासनिक टापूपुणा खत्म करके फगवाड़े नूं एक जिले के रूप के लैके आना। जे सी टी मिल दिया फुटबॉल टीम का बड़ा संसार पद्धरी नाम होंदा सी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के चुने गए नुमाइंदियां ने बदल बदल के फगवाड़े ते राज कीता, फगवाड़े का इंडस्ट्रियल हब चेहरा खत्म कर दिता। असी ये तीसरा ऐलान जिहड़ा कीता कि असी जिहड़ा फगवाड़े दे विच जिहड़ा एक बड़ा सपोर्ट्स कंपलैक्स जिहड़ा बनावांगे तां जो फगवाड़े दे धीआं पुत जिहड़े हैगे आ गभरू नौजवान है वह अपना जिहड़ा खेड दे विच वो डिवेलप हो सकन। असी ऐलान कीता कि फगवाड़े दे विच सरकारी मल्टी स्पैशलिटी होस्पिटल बना के देंगे। फगवाड़ा विखे बसपा ते अकाली पार्टी दी समुची लीडरशिप वल्लों विशेष मीटिंग कीती गई, जिस च बसपा पंजाब प्रधान जसबीर गढ़ी अते मार्कफेड दे साबका चेयरमैन सरदार जरनैल सिंह वाद विशेष तौर ते पहुंचे। इस मौके गलबात करदियां बसपा प्रधान जसबीर सिंह गढ़ी ने जिथे कांग्रेसियां अते भाजपा दे चिब कढे उथे फगवाड़े दे विकास कारजां बारे विशेष तौर ते चर्चा कीती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो फगवाड़े का सत्यानाशी कर दिता है, इसलिए जब उन्होंने सरकार बनेगी तो सब तो पहला फगवाड़े से जातिवाद को खत्म किया जाएगा। अज फगवाड़े दे विच दो बड़िया मीटिंगां हुई, एक गुरद्वारा साहब पलाही गेट टूटियां वाली और दूसरी अंबेसडर होटल दे विच। दोनों मीटिंगां का मुख लक्ष्य फगवाड़े दे सारे शहरियों नूं फगवाड़े दे आने वाले भविख बारे बसपा श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा प्रोग्राम है वह लैके जाना सीगा। अज असी फगवाड़े दे विच लगातार जिहड़ी पिछले चार पाँच महीनों तो मेहनत कर रहे हैं, पिंडां दे विच बसपा श्रोमणी अकाली दल वल्लों लगातार मानयोग श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर मीत प्रधान सरदार जरनैल सिंह बाहर साहब और श्रोमणी अकाली दल दे हलका इंचार्ज जथेदार सरबण सिंह कुलार जी और मानयोग खुराणा जी, सारी समुची टीम पूरी तरह के नाल लगी हुई है और पिंडां दे विच मानयोग जथेदार सरबण सिंह कुलार जी की अगवाई जिस तरीके नाल असीं पिंडां नूं कवर किया, कितें कहर पै गया, कितें दौर कितें तेर। हालांकि असीं मीडिया तो काफ़ी दूरी बना के इस काम नूं कर रहे हैं, लेकिन असीं शहर दे विच जिहड़ा अपना जिहड़ा जेतू रथ है वह पिछले समयां च बाड़ दित्ता सी और अद्धे नालों ज़्यादा शहर असीं कवर कर चुके हैं। अज भी शहर के वड्डे पतवंते चेहरियां दे नाल मीटिंगां होईयां आ। इस लड़ी दे विच अज असीं ऐलान कीता कि फगवाड़े नूं कांग्रेस और भाजपा ने टापू बना के रख दिता आ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने फगवाड़े दे लोकां नूं प्रशासनिक टापू दिता। आज़ादी दे 74 सालां च फगवाड़े दे लोकां नूं जलंधर शहर का समुंदर पार करके, जलंधर जिले का समुंदर पार करके अपने काम कराने लई जिला हैडक्वार्टर कपूरथला च जाना पैंदा। असी बहुजन समाज पार्टी बसपा श्रोमणी अकाली दल वल्लों ऐलान कीता आ कि कांग्रेस और भाजपा ने बदल बदल के फगवाड़े शहर की नुमाइंदगी की आ, लेकिन फगवाड़ा शहर वासियों का प्रशासनिक टापू पुणा खत्म नहीं कर पाए। असी ऐलान करते हैं साडा पहला काम मुख्य एजेंडे ते होएगा फगवाड़ा शहर वासियों का प्रशासनिक टापू पुणा खत्म करके फगवाड़े नूं एक जिले के रूप के लैके आना। और दूसरा असी यह भी ऐलान किया फगवाड़ा शहर के जिहड़ा फोकल पॉइंट है, दो चार फैक्ट्रियां एक खूंजे ते आ, दो चार फैक्ट्रियां एक खूंजे ते आ, दो चार फैक्ट्रियां एक खूंजे ते आ। असी इन्हां सारे इंडस्ट्रियल एरिए नूं एक जगह इकट्ठा करके फगवाड़े का जिहड़ा इंडस्ट्रियल हब चेहरा सी, इंडस्ट्रियल चेहरा सी फगवाड़े का, जे सी टी मिल सी, अगे अखबारां च खेड संसार पेज पढ़दे हुंदे सी तां जे सी टी मिल दिया फुटबॉल टीम का बड़ा संसार पद्धरी नाम हुंदा सी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के चुने गए नुमाइंदियां ने बदल बदल के फगवाड़े ते राज कीता, फगवाड़े दा इंडस्ट्रियल हब चेहरा खत्म कर दिता, फगवाड़े दा जिहड़ा एक खेड दे तौर ते विकसित चेहरा सी उह खत्म कर दिता। असी ये डिवेलप करांगे, फोकल पॉइंट फगवाड़े नूं नवां बना के देंगे। फगवाड़े दे विच इन्नी त्रासदी आ कि कांग्रेस और भाजपा दे चुने गए नुमाइंदे एक भी स्पोर्ट्स कंपलैक्स फगवाड़े च नहीं बना सके, एक भी ग्राउंड फगवाड़े दे विच नहीं आ। प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों का जरूर कोई ग्राउंड होएगा जिथे फगवाड़ा वासी जिहड़े आ किते सैर कर सकते होण, किते शरीरिक गतिविधियां एक्टिविटियां खेड दियां कर सकते होण। असी ये तीसरा ऐलान जिहड़ा कीता कि असी जिहड़ा फगवाड़े दे विच जिहड़ा एक बड़ा सपोर्ट्स कंपलैक्स जिहड़ा बनावांगे तां जो फगवाड़े दे धीआं पुत जिहड़े हैगे आ गभरू नौजवान है वह अपना जिहड़ा खेड दे विच वह डिवेलप हो सकन। असी फगवाड़े दे विच पिछले दिनी गंदे पानी नाल टट्टियां उल्टियां दीआं बीमारियां लगियां, 9 मर गए, 8 मर गए, हज़ारां बीमार, शिवपुरी, शामनगर, पीपा रंगी, संतोखपुरा।
असी ऐलान किया और टट्टियां उल्टियां का इलाज भी फगवाड़े का सिविल हस्पताल जिहड़ा सरकारी हस्पताल है टट्टियां उल्टियां का इलाज भी कर नहीं पाया। ये सीरीयस बीमारियों का इलाज इन्हें कितों करना। असी ऐलान किया कि फगवाड़े दे विच सरकारी मल्टी स्पैशलिटी होस्पिटल ली बना के देंगे। फगवाड़े दे विच सीवरेज, फगवाड़े दे सिविल सप्लाई, फगवाड़े दे पुल, फगवाड़े दे सड़कां, ये बड़ियां बहुत छोटे विषय ने, सेकेंडरी विषय ने, असी इन्हां नूं तां पूरा करना ही करना है। असी नाल दी नाल फगवाड़े की जिन्नी इंडस्ट्री आ हर इंडस्ट्री नूं पंजाब दे विच 5 रुपए यूनिट देण दा काम करांगे। असी फगवाड़े दे विच ये भी ऐलान किया कि फगवाड़े च इंडस्ट्री वड्डे पद्धर ते डिवेलप होवे। जिहड़ा CLU आ चेंज लैंड यूज दा जिहड़ा सर्टिफिकेट लैणा पैंदा आ वो हज़ारां तरह की करप्शन के दायरिया चो निकल के पंजाब वासियों नूं और फगवाड़ा दे इंडस्ट्रीलिस्टां नूं जाना पैंदा। जिहड़ी CLU जिहड़ा लैंड की जिहड़ी फीस उह बहुत वड्डी आ, वड्डी हज़ारां लखां रुपए का खर्चा जिहड़ा वो पैंदा। असी इहनूं भी जिहड़ा घट करन दा काम फगवाड़े शहर च करांगे। असी ये भी फैसला किया, असी ये भी अज ऐलान किया कि कांग्रेस और भाजपा के चुने हुए नुमाइंदियां ने फगवाड़ा शहर के एक जाति की दूजी जाति नाल लड़ाई कराई आ, एक धर्म की दूजे धर्म नाल लड़ाई कराई आ, और फगवाड़े शहर के पुल बने आ, फगवाड़े शहर च कंक्रीट सड़कां बनिया हो सकदियां, लेकिन धियां पुत इत्थे एक दूजे दे नाल सिर पाड़दे आ, जातां धर्मां दे नाँ ते एक दूजे दे नाल गोलियां मारदे आ। और फगवाड़े दे विच जिहड़ी गल गुरुआं ने कही सी, भवतु सब मंगलम तथागत गौतम बुद्ध दा ऐलान सी, सिख गुरुआं दा ऐलान सी, सरबत दा भला हो, अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। बाबा साहब अंबेडकर दा संविधान भी ये कहिंदा पहले वर्के विच भारत दे संविधान दे कि प्रेम भाईचारा बंधुत्व जिहड़ा बणिया रहना चाहीदा। फंडामेंटल राइट दे विच बाबा साहब अंबेडकर दा संविधान कहिंदा जाति धर्म नसल स्थान लिंग ये 5 पितकरे खत्म होने चाहिए आ। और भैन कुमारी मायावती जी ने बहुजन हिताए बहुजन सुखाए का जिहड़ा ऐलान सी, सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए दिता। असी भी फगवाड़े शहर की धरती ते इत्थे जातियां जातियां और धर्मां दी वर्गां दी जिहड़ी आपसी लड़ाई आ, आपसी खिचोतान है, जिहनूं कांग्रेस और भाजपा दे चुने गए नुमाइंदियां ने उधर बैठ गया चार गल्लां करतीयां, उधर बैठ गया चार गल्लां करतीयां, अग लाउण दा काम कीता आ फगवाड़े शहर नूं, फगवाड़े शहर नूं एक दूजे की नफरत का अग फैलाउण दा कांग्रेस और भाजपा के नुमाइंदियां ने काम किया। असी ये अग खत्म करनी चाहते हैं। उधर मार्कफेड के सबका चेयरमैन सरदार जरनैल सिंह वाद ते अकाली दल के हलका इंचार्ज सरवन सिंह कुलार ने की कहा, जरा तुसी भी सुनो। कि बाकी जिहड़ा हुण जिहड़ी तुहाडी सरकार बन जा रही है उहदे च जिस तरह कुलार साहब ने कहा कि इन्हां ने डिप्टी मिनिस्टर बनना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, तो उहदे लई आपां नूं बड़ी माण वाली गल होगी। दूजा पढ़े लिखे आ, ग्रंटां का पता हुंदा वी कित्थों लैणियां कितना लैणियां। एक तो मैं याद आ, मैं तो चौधरी साहब गए उत्थे बाल साहब को, चौधरी साहब कहते चलना आप ग्रंटा लिया, मैं ठीक है उत्थे गए जाके कहते बाल साहब कहते चौधरी साहब कहते बाल साहब सिर्फ ग्रंटा दो, कहते यार कहे दूजे हैड चो देखे है ही नहीं ग्रंटा का। चलो लड़ लुड़ के मुड़े असी फिर अपने 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 सौ प्रकार जी ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈੱਡ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਗਰੰਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਭ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੋਟ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਸਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ BSP ਦਾ ਖੜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖੜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ BSP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ BSP ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
पहली बार फिर दोबारा जी इकट्ठ होया। उस वेले भी पंजाब दियां लोक सभा दियां सारियां सीटां जीते सी आपां, और साहिब कांछी राम हुशियारपुर तो जीते सी, तो लाखा जी जीते सी। उही गठजोड़ संगतां दी मंग नूं मुख रख के, भाईचारक साझ नूं मुख रखदे इह गठजोड़ फिर दोबारा होया, जिहड़ा कि 2022 दी इलैक्शन दे विच पंजाब दे भले वास्ते, पंजाब दे विच भाईचारक साझ परपक्क करन वास्ते, और जो नफरत की राजनीति चल रही है, जिस तरह पाड़ो ते राज करो की नीति चल रही है, जिस तरह सोहा खा के उस तो मुकर जाके और लोगों के नाल झूठे वादे करके गोटका साहब दिया सोहा खा के जेडे मुकन वाले, वो सारिया गलों तो छुटकारा पाने वास्ते ये जरा गठजोड़ होया। आपां नूं पता जिन्नी बार भी बादल साहब की सरकार बनी, सब तो पहला भाईचारक साझ वो परपक करते, और हर गल एक बारी साढ़े कल्या 70 सीटा आईया से, उस वेले भी सरकार नहीं बनाई, असी भाईचारक साझ जी कायम रखनी आ। तो इस करके उस सिद्धांतों से पहरा देंदे हुए सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, और सरदार जसवीर सिंह जी गढ़ी भैन मायावती, हाई लैवल से इन्होंने फैसला करके ये जो गठजोड़ किया। और दूसरी गल, इतों फगवाड़े नूं आपां वधिया सब ले एक खुशी वाली गल है कि इतों जो साडा उम्मीदवार सानूं दिता, वह दोनों ही पार्टियां की मंग ते हाईकमान ने सानूं जसवीर सिंह जी गढ़ी दित्ते आ, क्योंकि पंजाब बसपा के प्रधान भी हैं, पर इतों अपने सेवादार आ, अपने भी सेवादार, सारी जनता के सेवादार बन के भी रहेंगे, और उस तो बाद जो तुसीं नूं MLA बनाओगे तो नैचुरली है कि डिप्टी मुख्यमंत्री का अहुदा इन्हां नूं मिलना है, क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह जी बादल भी अनाउंस कर चुके हैं, और गठजोड़ ने अनाउंस कर दिता कि सीनियर मोस्ट है और बसपा के प्रधान हैं, इस करके डिप्टी मुख्यमंत्री इन्होंने बनना। तो जदों ये पावर मुख्यमंत्री या डिप्टी मुख्यमंत्री की फगवाड़े को आ गई, तो फिर मेरे ख्याल अनुसार जेड़े काम भी रुके हुए आ, पहला तो वो सारे अपने आप चल पड़े कहण दी। फगवाड़ा तो यश शर्मा की रिपोर्ट। फगवाड़ा दे विच आशू दी हट्टी दा खुला चैलेंज, जिथों तुहानू मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट, लहंगे, साड़ियां ते प्लाजो। आशू दी हट्टी दा एक ही वादा, तुहानू मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े, पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशू दी हट्टी, ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।